बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब इशराहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उकदतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। आज का जो हमारा लेसन है दैट इज 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने जो ये नॉवल लिखा था 1984, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट देख लें। वैसे ही हिस्टोरिकल नॉवल है, ठीक है, आपको इसके फन से अंदाजा हो गया होगा कि 1984 है। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो है तीन है, नंबर वन यूटोपिया, नंबर टू डिस्टोपिया एंड नंबर थ्री टोटलिटेरियनिज्म। ठीक है, यूटोपिया क्या है? यूटोपिया इज अ परफेक्ट पैराडाइज That does not exist, but we all dream of anyway. ठीक है, यूटोपिया एक ऐसी परफेक्ट पैराडाइज है जो एग्जिस्ट तो नहीं करती, यानी कि एक ऐसी इमेजिनरी आइडियल वर्ल्ड है कि जो हम एग्जिस्ट तो नहीं करती लेकिन हम सब ड्रीम करते हैं। डिस्टोपिया क्या है? डिस्टोपिया इज द ऑपोजिट ऑफ यूटोपिया, जिसमें हर चीज वो जो it is described an imaginary society that is dehumanizing and as unpleasant as possible. अगर utopia एक खूबसूरत paradise को कहते हैं तो that is totally opposite, जो कि बहुत ही dehumanizing है और बहुत ही unpleasant world है। ठीक है, एक imaginary society है जो कि बिल्कुल ही unpleasant world है। और फिर उसके बाद जो है ये जो हमारा 1984 novel है that is डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टोपिया। ये एक ऐसी अनप्लेजेंट वर्ल्ड है जिसके अंदर जो है मतलब इतनी बुरी है कि जिसके अंदर डीह्यूमनाइजिंग और अनप्लेजेंट एज पॉसिबल, यानी कि बहुत हद तक डीह्यूमनाइजिंग है और अनप्लेजेंट है। और इसमें इन्होंने इंग्लैंड को टारगेट किया है कि अगर तमाम जो पार है वो इंग्लैंड को दे दी जाए तो फिर इंग्लैंड का क्या बनेगा। ठीक है, पहले हमने एरोपैजिट का पढ़ा और उसके अंदर हमने देखा कि वो भी एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ही लिखा गया था और उसमें भी हमने देखा कि पार की अगेंस्ट लिखा गया था। दैट इज द सेम थिंग कि ये डिस्टोपिया यानी कि बिल्कुल एक बहुत ही बुरी वर्ल्ड के अगर तमाम पार जो है वो हुकूमत को दे दी जाए तो फिर इंग्लैंड का क्या बनेगा। यानी कि अगर डिस्टोपिया के अंदर एक ऐसी वर्ल्ड के जहां पे इंसान को इंसान से सोचने का हक भी छीन लिया जाए, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्टोपिया। फिर टोटलिटेरियनिज्म है, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट हैज कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट पावर ओवर द पीपल। टोटलिटेरियनिज्म में गवर्नमेंट जो है उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है और कंप्लीट और एब्सोल्यूट ओवर द पीपल, लोगों के ऊपर पार आ जाती है हुकूमत की, उसको टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं। दैट इज रिप्रेसिव अनफ्री टाइप ऑफ सोसाइटी, जो कि एक रिप्रेस्ड और अनफ्री टाइप ऑफ सोसाइटी होती है। अरीबा, तो इसके अंदर क्या है कि गवर्नमेंट जो है क्या होता है उसकी मतलब टोटली एब्सोल्यूट पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास होती है और लोगों को इस हद तक भी सोचने की इजाजत नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर सकें, अपनी मर्जी से सोच सकें, अपनी मर्जी से मोहब्बत कर सकें। तो ये तमाम हक जो हैं वो छीन लिए जाते हैं एक ऐसी जो ऐसी जो गवर्नमेंट है वो छीन लेती है वहां की आवाम से। अब ये पूरी जो कहानी है इसमें हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। डिस्टोपिया का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि बहुत ही डिस्टोपिया के अंदर उसने बताया कि अगर हुकूमत के हाथ में तमाम इख्तियारात आ जाएं तो किस हद तक जो है लोगों का नुकसान हो सकता है, किस तरीके से लोग जो है मेंटली टॉर्चर हो सकते हैं अगर उनसे फ्रीडम ऑफ स्पीच से छीन लिया जाए, यहाँ तक कि इमोशंस भी उनसे छीन लिए जाए, यानी कि इंसान सोचे तो भी हुकूमत से पूछ के सोचे या हुकूमत के मुताबिक सोचे। हुकूमत लोगों की सोच के ऊपर हावी होना चाहती है
और उसकी वजह से एक ऐसी सोसाइटी जनरेट होती है जिसको डिस्टोपिया कहा जाता है, जहां पे हर चीज जो होती है वो डीह्यूमनाइज हो जाती है। टोटलिटिज्म जो है वो फॉर्म ऑफ रूल है जिसके अंदर गवर्नमेंट अटेम्प्ट करती है कि वो मेंटेन करे टोटल कंट्रोल ओवर सोसाइटी इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन। ठीक है, टोटलिटेरियनिज्म में हुकूमत जो है वो ये अब कोशिश करती है कि वो तमाम टोटल कंट्रोल ओवर सोसाइटी जो है जिसके अंदर एक पब्लिक और प्राइवेट लाइफ ऑफ सिटीजन जो है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है। व्हाई डिड जॉर्ज ऑरवेल राइट 1984? क्यों लिखा उसने जॉर्ज ऑरवेल ने 1984? अच्छा जी, इसके अंदर एक्चुअली जॉर्ज ऑरवेल चाहता था कि वो डेंजर्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म को शो करना चाहता था। वो ये कहता है कि अगर जो है इंग्लैंड जो है अगर उसमें तमाम इख्तियार जो है वो हुकूमत को दे दिया जाए तो जो इंग्लैंड है उसके वो किस बदहाली का शिकार हो सकता है, हो चुका है। और एग्जाम्पल ऑफ इसमें वो सोवियत यूनियन की हम यहाँ पे देंगे। और वो जो था जॉर्ज ऑरवेल जो है वो सोवियत यूनियन की उसने क्या मिसाल दी, एक्चुअली दो जो जिसे कहना चाहिए दो लीडर हैं जिसको इसने टारगेट किया है। नंबर वन एडॉब हिटलर इन जर्मनी और नंबर टू रशिया के अंदर जो है वो स्टालिन था, जोसेफ स्टालिन। ठीक है, अब क्या था कि एडॉल्फ हिटलर इन जर्मनी और जोसेफ स्टालिन इन रशिया, ये दोनों जो है ये वो गवर्नमेंट्स थी जो कि ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करना चाहती थी। ठीक है, और एडॉल्फ हिटलर को नाजी भी कहा जाता था, उसकी गवर्नमेंट को नाजी भी कहा जाता था। और इसके अंदर जो है वो ये बताता है कि अगर जो है इंग्लैंड रशिया जैसा हो जाए तो फिर उसके साथ क्या होगा। ठीक है, और लंदन जो है अब एक वो एक डिप्रेसिव प्लेस बन चुका है, ना वहां पे कुछ खाने को है ना पीने को है, यहाँ तक कि वहां पे सडन रॉकेट फायर होते हैं इन स्ट्रीट पोस्टर्स और जगह जगह स्ट्रीट पोस्टर्स लगे हुए हैं जहां पे लिखा हुआ है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। अच्छा जी, उसके बाद ये जो है जो पूरी कहानी है एक्चुअली, अब अगर हम पीछे बात करें कि अगेंस्ट वो क्योंकि एब्सोल्यूट पावर था तो वो ये कहता है कि लंदन जो है वो अब एक बहुत ज्यादा एक डिप्रेसिव वो जगह बन चुकी है और जहां पे जगह जगह यहाँ तक के गलियों में भी जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं जहां पे लिखा हुआ है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यानी कि हर जगह गवर्नमेंट तुम्हें देख रही है, चाहे वो टीवी हो चाहे वो इवन कैमरा जगह जगह लगा दिए गए हैं, वहां के लोगों को क्लोज फ्रेंड्स बनाने की इजाजत नहीं है, इमोशनल एनर्जी शुड बी सेव्ड फॉर एनर्जी, और यहाँ तक कि इमोशनल एनर्जी भी इंसानों से छीन ली गई है, और न्यूज ऑफ गवर्नमेंट जो है लोग बाउंड है कि वो बजाय इसके कि वो अपने इमोशनल फीलिंग शेयर करें वो जो है गवर्नमेंट की मर्जी से न्यूज ऑफ गवर्नमेंट देखना चाहते हैं और उनको वो रैलीस अटेंड करनी पड़ती हैं जो कि गवर्नमेंट उनसे डिमांड करती है, यानी कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत भी गवर्नमेंट ये कहती है कि ये अगर सोचें तो हमारी मर्जी से सोचें और हम जो चाहेंगे वो ये करें, खुद की सोच की इजाजत नहीं है। ठीक है, तो इसी के अंदर भी ये हमने जो तीन कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जिसमें यूटोपिया डिस्टोपिया और टोटलिटेरियनिज्म है। और फिर सबसे बड़ी चीज जो वो अगेंस्ट था एब्सोल्यूट पावर के, उसके अंदर जो है वो कुछ अलाइड फोर्सेस की बात करता है। अच्छा जी, ये अलाइड फोर्सेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले यूरेशिया है, ठीक है, और ईस्ट एशिया है और ओशेनिया है। ठीक है, ईस्ट एशिया और ओशेनिया ये दो एलाइड फोर्सेस हैं जो कि मिल के यूरेशिया जो है इसको तबाह करने के चक्कर में। ठीक है, ये जो दो मुल्क हैं ईस्ट एशिया और ओशेनिया, ठीक है, ये दोनों एलाइड्स हैं। एलाइड्स का मतलब है कि दो मुल्क मिल के एक दूसरे को हेल्प आउट करके किसी तीसरे मुल्क को गिराने के चक्कर में। और
ये जो वॉर्स है ये आए दिन हुई रहती है, और ये दोनों जो मुल्क हैं स्पेशली द ओशेनिया, ठीक है, और ओशेनिया को ही एक्चुअली वो एक इंग्लैंड ही कहता है कि ये ओशेनिया के अंदर जो हालात हैं वो एक्चुअली इंग्लैंड के ही हालात हैं। अब ओशेनिया में जो है एक मकाम है जिसको एयर स्ट्रिप 1 कहा जाता है, ठीक है, और ये एक्चुअली इंग्लैंड है जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। ये एयर स्ट्रिप 1 जो है यहाँ पे न्यू स्पीक के नाम से एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ठीक है। न्यू स्पीक एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ये कहा जाता है कि रिबिलियन इज क्राइम, यानी कि इनकी अपनी कुछ फ्रेजेस हैं न्यू स्पीक के, जिसके अंदर जो है इनकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, और सिर्फ उसी लिहाज से लोग बात कर सकते हैं और उसी लिहाज से लोग सोच सकते हैं। तो इस लैंग्वेज के तहत और इन रूल्स के तहत, न्यू स्पीक के तहत, ये ग्रेट ब्रिटेन के अंदर एक द पार्टी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बनाई जाती है, जिसके दो हिस्से हैं। आगे उसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, एक आउटर पार्टी है और एक इनर पार्टी है, ठीक है। दो पार्टीज हैं, एक आउटर पार्टी और एक इनर पार्टी। अब ये जो आउटर और इनर पार्टीज हैं ये फर्दर कुछ मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड है, ठीक है। ये जो मिनिस्ट्री है ये फर्दर आगे कुछ मिनिस्ट्रीज में डिवाइडेड हैं, जिनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पीस, मिनिस्ट्री ऑफ लव, मिनिस्ट्री ऑफ पेलेंटी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, मिनिस्ट्री ऑफ द थॉट। अब ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्रीज ऑफ पीस है, मिनिस्ट्री ऑफ लव है, यानी कि जो ऐसे लोगों पे नजर रखती है कि कहीं वो मोहब्बत ना कर बैठे, पेलेंटी फिर ट्रुथ, ऐसे ऐसी मिनिस्ट्रीज जो कि ट्रुथ के ऊपर अपनी मर्जी से ट्रुथ लिखवाती है, ठीक है, अपनी मर्जी से हिस्ट्री को आगे पीछे करवाती है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ द ट्रुथ। और उसके बाद फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ थॉट, मिनिस्ट्री ऑफ थॉट के अंदर जो है थॉट एक क्राइम है, ठीक है, और इसमें क्या है कि पुलिस हर उस इंसान को पकड़ लेती है जो कि हुकूमत के बरक्स जो है कुछ भी सोचता है। मिनिस्ट्री जो है वो कुछ पैराडॉक्सेस कन्वे करती है, ये जो जितनी अभी हमने पीछे मिनिस्ट्रीज पढ़ी हैं वो कुछ पैराडॉक्सेस कन्वे करती हैं, ठीक है। ये जो पांच आपको मिनिस्ट्रीज हैं ये आपको कुछ पैराडॉक्सेस जो हैं वो कन्वे करेंगी, जिसमें वो कहती हैं कि वॉर इज पीस, ठीक है, कैन वॉर लीड टू पीस। अब ये पैराडॉक्सेस है, पैराडॉक्स किसे कहते हैं, एक ही लाइन के अंदर जब दो ऑपोजिट वर्ड्स लिख दिए जाते हैं, हालांकि वो ऐसे होते नहीं है। जैसे हम कहते हैं डार्क स्नो, स्नो भी कभी डार्क होती है, डार्क स्नो नहीं होती ना, लेकिन दैट इज अ पैराडॉक्स। तो वॉर इज पीस, तो कैन वॉर लीड टू पीस, क्या वॉर पीस तक लीड कर सकती है, लेकिन ये इनकी मिनिस्ट्री थी जिनके ये कुछ स्लोगन्स थे। फिर फ्रीडम इज स्लेवरी, वो कहते हैं कि फ्रीडम जो है वो स्लेवरी है, कैन फ्रीडम बी कन्फाइनिंग, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, कैन वन नो हाउ मच, तो वो कहते हैं कि इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, यानी कि अवाम को इग्नोर्ड रखा जाता था। ये जो है यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है ये यूरेशिया है, ठीक है, ये ईस्ट एशिया है, और ये ईस्ट एशिया जो है अपने एलाइट्स के साथ मिलके, यानी कि ओशेनिया के साथ मिलके किसके ऊपर चाहता है कि वो हमला करे, वो ये जगह है, ठीक है, यूरेशिया को ये लोग गिराना चाहते हैं, और ईस्ट एशिया, और दैट इज द एयर स्ट्रिप 1, ठीक है। अब ये दो एलाइट्स हैं जो कि यूरेशिया पे आए दिन धमाके करते रहते हैं। यहाँ पे ओशेनिया लॉन्चेस एम्फीबियस इन्वेजन्स नॉर्थ ऑफ यूरेशियन फोर्सेस, ट्रैपिंग द एंटायर आर्मी इन एक्वेटेरियन अफ्रीका, ठीक है। और ओशेनिया जो है उसने ओम्फीबियस, ठीक है, इन्वेजन्स किए थे, और लॉन्चेस ओम्फीबियस इन्वेजन नॉर्थ ऑफ यूरेशियन फोर्सेस, इन्होंने हमले किए थे नॉर्थ ऑफ यूरेशियन फोर्सेस पे, ट्रैपिंग द एंटायर आर्मी, पूरी आर्मी को एंट्रैप कर दिया था इन एक्वेटेरियन अफ्रीका, एक्वेटेरियन अफ्रीका, ये आपको यहाँ पे ओशनिया नजर आ रहा है, और दैट इज द एयर स्ट्रिप 1। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब कहानी जो है वो बेस करती है दो इंसानों पे,
ठीक है, जो मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पे हमें दो नजर आते हैं, जो कि हीरो जो है प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज द विंसन स्मिथ। ठीक है, विंसन स्मिथ जो है ये आउटर पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है, मेंबर है आउटर पार्टी का और मेंबर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ का मेंबर है और इसका काम क्या है, जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं या जो हिस्ट्री लिखी गई है ओशनिया के बारे में, उसको वो ऑल्टर करता है। यानी कि इसको तमाम ट्रुथ पता होते हैं कि ओशनिया के अंदर क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, लेकिन क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में होता है ओशनिया की, तो इसका क्या काम है, ट्रुथ को ऑल्टर करना। इन फैक्ट ही हेट्स द पार्टी, बट इमोशनली इसको ये शो करना होता है कि ही लव्स द पार्टी। ठीक है, द पार्टी वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि दो तरह की पार्टीज होती हैं इसके अंदर, द पार्टी जो कि जिसका लीडर है बिग ब्रदर, और नंबर टू ब्रदरहुड जिसका लीडर है एमिनल गॉल्डस्टीन। ठीक है, तो ये जो है दो पार्टीज हैं, एक का नाम द पार्टी है जो कि जिसका लीडर बिग ब्रदर है, और जगह जगह ये बैनर्स लगे हैं कि बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। अब क्या होता है कि ये जो द पार्टी है जो कि लीडर, इसका लीडर बिग ब्रदर है और वो एक्चुअली एक डिक्टेटर है। ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली अ सटायर ऑन, या टारगेट किया गया है हिटलर को भी और रशिया के, रशिया का जो लीडर था उसको भी। ठीक है, दोनों को इसके अंदर जो है वो टारगेट किया गया है, जिसका नाम जोसेफ स्टालिन था। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि अब ओशनिया जो है, आगे हम अगर आगे चलें तो एक्चुअली मजीद दो कैरेक्टर आते हैं, मिस्टर शेरिंगटन और ओब्रेन। ओब्रेन जो है वो एक्चुअली इनर पार्टी मेंबर है। ठीक है, ओब्रेन से जब ये मिलता है, यानी कि ये शेरिगन के पास जाता है, मिस्टर शेरिगन। ठीक है, और मिस्टर शेरिगन जो है उसके पास से ये एक डायरी खरीदता है। विंसन जो है एक्चुअली ये मोहब्बत करता है जूलिया से, लेकिन ये उसकी तरफ हेट शो करता है, क्योंकि इसको ये लगता है क्योंकि ये जूलिया को पा नहीं सकता, तो इस वजह से वो हेट करता है किससे, जूलिया से। यानी कि अंदर ही अंदर से वो कहीं इससे मोहब्बत कर रहा होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द पार्टी एंड इट्स स्लोगन्स ही हेट जूलिया, क्योंकि उसको पता है उसको ये कभी मिलेगी नहीं। अब जूलिया क्या करती है, एक दिन जूलिया जो है इसको एक छुप के एक लेटर देती है, जिसमें वो अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और इन दोनों का लव अफेयर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, विंसन जो है वो जो एक डायरी खरीदता है मिस्टर शेरिगन से, ये मिस्टर शेरिगन है, ठीक है, मिस्टर शेरिगन से एक डायरी खरीदता है और उसमें कुछ लिखता है जो कि इलीगल है। ठीक है, मिस्टर शेरिंगटन जो है उनसे वो एक डायरी खरीदता है, फिर उसके बाद जो है वो मिलता है ओब्रेन से, ठीक है, जो कि ब्रदरहुड का मेंबर है। एक्चुअली ओब्रेन जो है वो किसका मेंबर है, जो इसको ये शो करता है विंसन को कि वो ब्रदरहुड का मेंबर है। अब जो है वो ये कहता है कि देखो मैं ब्रदरहुड में काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक दिन जो है मिलवाऊंगा ब्रदरहुड के जो का जो लीडर है जिसका नाम एमिनल गॉल्डस्टीन है, मैं तुम्हें उसके साथ मिलवाऊंगा। तो यहाँ पे विंसन जो है वो ऑब्वियसली पहले से मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट में काम करता है। अब ये क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कोर्ट से या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ से या द पार्टी से हेट करता है, ये सारी बातें ओब्रेन को बता देता है और उसको कहता है कि देखो मैं जो ना पार्टी से हेट करता हूँ, क्योंकि पार्टी जो है वो तमाम हिस्ट्री जो है वो क्लियर करवा देती है, और वहां पे ये शो करना पड़ता है कि यूस्टेशिया और ओशनिया जो कि एलाइड हैं, इनके अंदर सब के सब जो है इवल नहीं है। ठीक है, यानी कि सब के सब इवल नहीं है और ये बिल्कुल इनकी जो बैक है वो बिल्कुल क्लियर है, जबकि एवेनियल गॉस्टेज जो है उसमें सब के सब इवल इंसान है। ठीक है,
तो यहाँ पे वो जाके ये बात करता है और उसको ये इस तरह की हिस्ट्री लिखनी पड़ती है। अब क्या होता है कि इसका जब एक अफेयर स्टार्ट होता है जूलिया के साथ, तो वो मिस्टर शेरिंगटन से पहले तो एक डायरी लिखता है और मिस्टर शेरिंगटन से एक रूम रेंट पे लेता है जहां पे बैठ के छुप के वो डायरी भी लिखता है और उसका अफेयर स्टार्ट होता है जूलिया के साथ, जो कि एक बहुत बड़ा अपनी मर्जी से मोहब्बत करना जो है एक बहुत बड़ा जुर्म था। अब होता क्या है, ये ब्रदरहुड है ठीक है, अब अपनी डायरी में क्या लिखता है, डाउन विद बिग ब्रदर, मतलब ये अपनी सारी इस तरह से, दे विल शूट मी, आई डोंट केयर, दे विल शूट मी इन द बैक ऑफ द नेक, डोंट केयर, डाउन विद बिग ब्रदर, ठीक है। वो मतलब अपना जो हेटरेड है उस डायरी के अंदर बिग ब्रदर के बारे में शो कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि ओब्रेन जो है एक्चुअली होता ये है कि ये कहीं पकड़ा जाता है ठीक है। अब ये जो विल्सन है एक्चुअली ये जो है क्या होता है कि ये और जूलिया एक्चुअली उस रूम में होते हैं जो कि इन्होंने मिस्टर शेरिंगटन से रेंट पे लिया होता है। तो ओब्रेन जो कि एक्चुअली इसको शो तो करता है कि वो किस पार्टी का मेंबर है, ब्रदरहुड का, बट ये जो है क्या करता है कि ये इसको फंसा देता है। एक्चुअली ये ब्रदरहुड से नहीं बल्कि द पार्टी का मेंबर होता है और ये इनर पार्टी का मेंबर होता है और वो इसको फंसा देता है। अब अचानक से जब ये विंसन और जूलिया उस रूम में होते हैं तो ये पुलिस के साथ जो है इनका दरवाजा जो है वो खोल देते हैं और फाइनली जो है ये अरेस्ट हो जाता है ठीक है। और फाइनली इसको मिनिस्ट्री ऑफ लव में भेज दिया जाता है क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया होता है मोहब्बत करके ठीक है। इसको वहां पे टॉर्चर किया जाता है, फिर उसके बाद उसको रूम नंबर 101 में भेज दिया जाता है जहां पे सबसे बड़ा जो डर होता है वो इसको एक्चुअली चूहों से डर लगता है। और विंसन को कहां भेजा जाता है, एक ऐसे रूम में भेजा जाता है जहां पे जो है उसको एक उसके फेस को एक केज में बंद कर दिया जाता है और केज के दरमियान में एक छोटा सा दरवाजा होता है और दूसरी तरफ चूहे छोड़ दिए जाते हैं। और इसको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, पहले तो इसको मिनिस्ट्री में ले जाके जेल में ले जाके खूब मारा जाता है, यहाँ तक कि उसके दांत तोड़ दिए जाते हैं, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, उसको शॉक इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं बिकॉज उसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया अपनी मर्जी से सोच के। और फाइनली उसको रूम नंबर 101 में लेके जाए जहां पे उसका सबसे बड़ा खौफ चूहो, इसको चूहों से बहुत डर लगता था ठीक है। और इसको एक ऐसे इसके फेस को एक ऐसे केज में बंद कर दिया जाता है जिसके केज की दूसरी तरफ चूहे होते हैं और इसको इतना डराया जाता है कि अगर ये केज का दरमियान वाला जो दरवाजा है उसको खोल दिया जाए तो ये सारे चूहे इसका पूरा फेस नोच लेंगे ठीक है। और फिर ये इस हद तक इसको टॉर्चर किया जाता है कि फाइनली ये अब सब जो बातें हैं उनकी मान लेता है, अपनी तमाम गलतियां तस्लीम कर लेता है। और फिर रिबिलियन का क्या मतलब है यहाँ पे कि जूलिया को छोड़ना है ठीक है। तो अब क्या है कि उसको अब जूलिया को छोड़ना है और हर हाल में छोड़ना है, जो कि वो एक्सेप्ट करता है। जब वो वापस आता है तो वो और जूलिया आपस में मिलते हैं ठीक है, विंसन और जूलिया आपस में मिलते हैं और लेकिन वो दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं, क्योंकि दोनों को ही बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, स्पेशली विंस्टन को तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। और उसी वक्त एक न्यूज चलती है कि ओशेनिया ने यूरेशिया के खिलाफ वॉर जीत ली है और फिर जो है कहानी खत्म हो जाती है, यानी कि इसमें क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो जीत गई है और जो वीकर हैं वो हार गए हैं, यानी कि विंसन इज द वीकर वन और द गवर्नमेंट इज बेसिकली जज यूरेशिया और इस तरीके से वो हार गए ठीक। तो ये इस कहानी का यहाँ पे एंड हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनको इतनी भी इजाजत नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से सोच सके।